बिग बॉस OT2 लाइव फीड के दौरान जो किचन वाला एरिया रहता है उसमें जिया शंकर और आशिका के बीच में बहुत बड़ी फाइट होने लगती है, जिसका आवाज़ आता है तो फुकरा इंसान और मनीषा रानी भाग के जाते हैं वहाँ पे, जहाँ मनीषा रानी ये देखती है कि जिया ने जो बर्तन किए आधे उसमें भी सिर्फ सोप लगा के छोड़ दिया और उसको धोया भी नहीं है, जहाँ मनीषा रानी इस पर भी बोलती हैं उनको। पहले तो फुकरा इंसान पूछते हैं कि आशिका बेचारी पे आप क्यों चिल्ला रही है, तो बोलते हैं कि वह मुझे देख के मुँह बना रही है, तो वो बोलते हैं कि वो अपना सिर्फ काम कर रही है, आपने तो आधा काम भी नहीं किया, तो उस पर वो बोलती हैं जिया शंकर की मुझसे जितना वो उतना किया, तो उसी पे वो बोलती हैं कि तुम लोग आधा करोगे ना, जिया शंकर ऐसा बोलते, तो वो बोलते हैं कि तुमने आधे पे सोप लगाया है वो भी आधा ही किया, यही नहीं कि पूरे पे सोप लगा के छोड़ दिया, चलो हम धो लेंगे वो बात अलग है, तो वो बोलते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट का भी करती हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी, जहाँ इसी पे फुकरा उनको समझाने की कोशिश करते कि मैं भी रात का बर्तन करता हूँ, तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि उसने ऑर्डर दिया तो मैं वो काम नहीं करूँगा, आपका काम है आपको करना पड़ेगा, जहाँ इसी पे जिया बोलते हैं कि मुझसे जितना होता है उतना मैंने किया, और वो समझने की कोशिश ही नहीं करती फुकरा की बात, जहाँ फुकरा बोलते कि तुझे समझा के फ़ायदा नहीं है, और वहीं जिया बोलते हैं कि इसको बोलो कि बाद में चाय बनाए आशिका को, मैं पहले अपना बर्तन कर लूँ, ये सब अब सोप वगैरह लगा दूँ, तो उसी पे बोलते हैं आशिका को कि तू यहाँ चाय बना और आप जाइए, आप मत करिए, आपको जब करना रहेगा करिएगा, तो उसी पे फुकरा इंसान ये भी बोल देते हैं कि अब देखते बर्तन कौन करता है, तो आपका ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताना इसके रिलेटेड।